दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है ट्विटर और फेसबुक क्या इंडिया में बैन होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने फरवरी 25 को एक डिजिटल एथिक्स कोड नाम का एक लॉ पास किया, जहाँ पे सारे सोशल मीडिया ऐप्स जो कि इंडिया में प्रेजेंट हैं, सबको इसके अंदर आना होगा। मतलब सबको इसी रूल के अंदर कंप्लाई करना होगा और अपने रूल्स को चेंज करना होगा, जहाँ पे इस टर्म को 3 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया, क्योंकि सारे ऐप्स ने एक 3 मंथ का एक्सटेंशन थोड़ा टाइम मांगा, जहाँ पे इसका डेट अभी आ चुका है मई 26 तक। अभी तक तो कुछ ऐप्स ने नहीं माना, जैसे फेसबुक और ट्विटर ने तो इस लॉ से कंप्लाई नहीं किया है, लेकिन कूवन के एक ऐप है जिसने इस लॉ से कंप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों, आज हम बात करने हैं, ये जो डिजिटल एथिक्स कोड है, ये बेसिकली क्या है, क्या क्या है इस डिजिटल एथिक्स कोड में, और क्या चेंजेस इंडियन गवर्नमेंट लाना चाहती है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो कि ये सारे ऐप्स अभी तक कंप्लाई नहीं कर पा रहे। बेसिकली एक होगा कंप्लायंस ऑफिसर, जो कि मैनेज करेगा हमारे सारे जो कि पोस्ट हो रहे हैं या फिर कुछ भी वल्गर पोस्ट हो रहे हैं जो कि डिलीट होना चाहिए उन सबको। दूसरा आता है दोस्तों वॉलंटरी वेरिफिकेशन, मतलब वेरिफिकेशन वॉलंटरी होगा, सबको ही वेरिफिकेशन नहीं मिल सकता। फिर 24 आवर रिमूविंग मैकेनिज्म, मतलब कुछ अगर वल्गर कंटेंट पोस्ट होता है तो 24 आवर के अंदर वो रिमूव हो जाना चाहिए। फिर जनरेटिंग मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट, मतलब जो जो कुछ भी एरर आ रहा है उसका एक मंथली रिपोर्ट गवर्नमेंट को चाहिए हर मंथ को सोशल मीडिया ऐप्स की तरफ से। फिर आता है नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उन्हें कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, जो कि है नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन। उसके बाद दोस्तों आता है रेसिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, रेसिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर क्या है? बेसिकली वो एक गवर्नमेंट एजेंट होगा जो कि सोशल मीडिया ऐप के थ्रू लिंक्ड होंगे, जो कि मैनेज करेंगे अगर कुछ फेक न्यूज या फिर रूमर्स आते हैं तो उसे कैसे हटाना है सोशल मीडिया से। तो दोस्तों बेसिकली यही तो है डिजिटल एथिक्स कोड, जो कि अभी तक सिर्फ एक ही ऐप ने माना है, जो कि है कू, लेकिन फेसबुक और ट्विटर ने नहीं बनाया अभी तक। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक और ट्विटर ने अभी तक नहीं बनाया। तो मई 26 तो आ गया, लास्ट डेट आ चुका है, अगर वो नहीं बनाते उनके शायद उनके ऊपर कुछ क्रिमिनल एक्ट हो सकता है दोस्तों, जहाँ पे उनका इंडिपेंडेंट इंटरमीडियरी ऑफ प्राइवेसी जो कि है इंडियन हमारे सिटीजन्स का, उसे छीन लिया जाएगा। तो अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है, क्योंकि फेसबुक और ट्विटर ने और ज़्यादा टाइम मांगा है, क्योंकि उनके हेडक्वार्टर से ये लॉ पास नहीं हुआ है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए। देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे, क्या फेसबुक ट्विटर बैन होंगे तो नया सोशल मीडिया ऐप्स कहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया ऐप्स फ्री टू यूज़ फॉर ऑल है, वहाँ पे कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है, क्योंकि वो है ही सोशल मीडिया, वो आपके लिए ही बना है, और अगर सोसाइटी के लिए बना है तो सोसाइटी कुछ भी पोस्ट कर सकता है। लेकिन हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स सोचे हैं, इसलिए उसे चेंज डिजिटल एथिक्स कोड को चेंज किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस सोशल मीडिया ऐप के ऊपर, जो ये डिजिटल एथिक्स कोड आने का क्या चेंजेस आने वाले हैं या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस, चलता हूँ, गुड बाय।